हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव। आवर यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस बेताल में आपका स्वागत है। आइए आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म को संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कहां हुआ? जन्म इनको कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये कपिलवस्तु है कहां? कपिलवस्तु एक छोटा सा देश नेपाल में पड़ता है। इनको कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। इनका बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। क्या? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुयोधन है। जो इनके पिता थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे, गौतम बुद्ध को माता का नाम क्या है? माया देवी है। इनको जब गौतम बुद्ध जन्म हुए थे, जन्म के सातवें दिन ही गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु हो गया था। कितने दिन? सातवें दिन ही। जब इनको मृत्यु हो गया गौतम बुद्ध के माता को, तो जब आप लोग जानते होंगे कि बच्चे को 6 महीना के लिए जो पौष्टिक आहार के रूप में, जो दूध के रूप में मिलता है, जब उनको दूध कहाँ से मिले, तो उनको पिताजी ने सोचे कि हम एक दूसरी शादी कर ले, तो वो एक दूसरा शादी किए। तो उनके सौतेली माता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी है। इन्हीं ने गौतम बुद्ध को लालन पालन किए, प्रजापति गौतमी ने। जब गौतम बुद्ध अपने गांव से घूमने के लिए, सैर करने के लिए कपिलवस्तु के निकले, तो ये इन्होंने 4 चीजों को देखा था। जो पहला चीज है, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा चीज देखे थे एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक सांप देखे थे। क्या? एक सांप। एवं चौथा जो पॉइंट है, चौथा एक बीमार व्यक्ति देखे, एक सांप देखे, एक सन्यासी देखे थे। सन्यासी
ये अपने जीवन से, गौतम बुद्ध ने ये अपने जीवन से तंग आकर के ये क्या सोचे कि गृह त्याग करने के लिए। उससे पहले तो एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ, यानी कि जब उन माता पिता सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाता है तब उनके विवाह करने के लिए सोचते हैं, तो गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया गया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की। विवाह कर दिया गया। विवाह इनको किनके साथ किया गया? इनको पत्नी का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के पत्नी के नाम यशोधरा, यशोधरा नाम है। ये भर गया, मिटा देता हूं कुछ ऊपर से। उनको पत्नी के नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ था, पुत्र का जो नाम है जो राहुल था। क्या? राहुल, राहुल नाम था उनके। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ये जब अपने जीवन जीवन से तंग आकर के अपने गांव को त्याग करने के लिए निकले थे घर से, तो ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर गृह त्याग किए थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष के। गृह त्याग किए, जब अपने घर के छोड़े, गृह को त्याग किए, तो सबसे पहले एक वैशाली नामक स्थान पर गए। वहां पे एक व्यक्ति रहते थे अलार्म कलाम। कौन व्यक्ति? अलार्म कलाम। उनसे गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण किए। किनसे? अलार्म कलाम से। अलार्म कलाम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। क्या शिक्षा? शिक्षा ग्रहण किए। उनको सबसे पहले जो शिक्षक हैं गौतम बुद्ध के, वो अलार्म कलाम हुए। कौन? अलार्म कलाम, प्रथम गुरु। अलार्म कलाम प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के अलार्म कलाम। बस अभी इतना ही इस वीडियो में बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कर लीजिए, मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।